शांति। आज 31 मई 2021 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये दुनिया क्या होने वाली है? कब्रिस्तान होने वाली है। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए हम क्या करें फिर? हाँ जी, इसलिए इससे दिल नहीं लगा। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए अब इससे दिल नहीं लगा। परिस्तान को याद कर। परिस्तान माना परिस्थान, जहां परियां रहते हूं, परिस्ते रहते हूं, जिसे स्वर्ग पे। अब इस नरक को याद मत करो, अब उस स्वर्ग को याद करो, उस नए मकान को याद करो जहां जाके हमने रहना है, जहां जाके हमने रहना है। प्रश्न, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? क्यों नहीं है कोई भी दुनिया में खुश नसीब? हमें स्वयं परम पिता, परम आत्मा, परम धाम से आकर ज्ञान रत्नों से माला माल कर रहा। वो तो सारे के सारे पैसे, जिसके पास अरबों रुपया भी है, वो तो कब्रिस्तान होने वाला है। एक रुपया भी साथ में लेके जाने वाला नहीं है, कोई भी ना ले गया ना ले जाएगा। और हम क्या लेके जाएंगे? अच्छे
हम अपने साथ लेके जाएंगे। इसलिए हम क्या हैं, खुश नसीब हैं। क्योंकि तुम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे क्या मिलने वाली है, सदगति, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है, अधिकार मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, सौकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल में रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया के झमेले बहुत सारे। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। तुम सबसे क्या हो? खुश नसीब हो। गीत चला, दिल का सहारा टूट ना जाए, दिल का सहारा टूट ना जाए, क्योंकि दिल का सहारा कौन है? शिव बाबा। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये जमाना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये जमाना क्या था? परिस्तान था। अब ये पुराना हो गया है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है, सबको कब्र दाखिल होना है। कब्र दाखिल होना माना मरना है। किसको मरना है? शरीर को मरना। हम आत्माओं को तो मरना नहीं है, और वो कब्र दाखिल है। कौन है कब्र दाखिल? दुनिया वाले कब्र दाखिल है, दुनिया वाले कब्र दाखिल हैं, हमें कब्र दाखिल होना है। क्या मतलब है इसका? ये शब्द दो प्रकार से प्रयोग होता है। हाँ। क्या कहते हैं? रूह कब्र दाखिल करते हैं। वो कहते हैं कयामत की रात को रूहें कब्र से उठकर आएंगी और खुदा के सामने हाजिर। ये तो जला देते हैं, इनकी रूहें तो खत्म हो जाती है, परंतु हमारी रूहें कहाँ रहती हैं? कब्र में रहती है। और जिन्होंने नेक कर्म किए होते हैं उन्हें कब्र में खुली मिलती है, अर्थात सुख मिलता है। और जिनको कार नेक बदनाम पाप कर्म किए हैं, नापाक कर्म किए हैं, उनको कब्र में तंगी मिलती है, दुख मिलता है। तंगी का मतलब है दुख, कुली का मतलब है सुख। तो वो सारी दुनिया इस समय कब्र दाखिल है, हम भी कब्र दाखिल थे। कब तक? जब तक हमें ये समझ में नहीं आया कि हम आत्मा, वो सब अपने आप को चलती फिरती कब्र ही समझते। क्योंकि आत्मा इस जिस्म में क्या है? दफन है। आत्मा चलती फिरती इस जिस्म में दफन है, जो अपने को जिस्म समझते हैं। और हमें समझ में आ गया कि हम आत्मा, हम कब्र से निकल आए। अब फिर कब्र दाखिल किसको होना है? हमारे जिस्म को होना। अब सारी दुनिया के जिस्म कब्र दाखिल होंगे और सब रूहें
अपने घर चले। जो कुछ भी हम इन आंखों से देखते हैं वो सारा का सारा मिट्टी में मिल जाना, खत्म हो जाए। इतनी सारी दुनिया को सारे बम्स और मिसाइल चलेंगे, लकड़ियां उठा के किसी के ऊपर रखने की जरूरत है, अपने आप साफ हो जाएंगे, वहीं के वहीं साफ। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बम्स और मिसाइल ने क्या काम करना है, सफाई करने का, सफाई करने का, शुद्धिकरण का काम कर। तो ये बम्स या मिसाइल विनाश के लिए बन रहे हैं या शुद्धिकरण के लिए बन रहे हैं? हाँ, ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बाकियों को तो पता ही नहीं है, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है, कब्र में दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा, तो घाटा पड़ जाएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी काल पहले माफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए। तो यही है मन मना भव, सारा दिन बुद्धि में रहे कि किससे प्यार कर रहे, तो खत्म होने वाली चीजें। जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है ये सारा खत्म होने वाला है, किसके चक्कर में? ये सारा दिन बुद्धि में रहे तो ये भी क्या है, मन मना, इस नष्ट होने वाली दुनिया से बुद्धि का योग हट जाएगा। बाप की याद में रहने से ही परिस्थानी बनेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो परिस्थानी बनेंगे। भारत परिस्थान था और खंड परिस्थान नहीं बनते, क्या सबूत है इसका? सारी धरती एक खंड होती है, सारी धरती एक खंड होती है, उसे क्या कहते हैं, पेंजिया। दुनिया वालों ने उसका नाम दिया पेंजिया, जर्मनी भाषा में पेंजिया कहा जाता है धरती को, सारी धरती, संपूर्ण धरती, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पेंजिया रखा है। ये जर्मनी के थे जिसने 1915 में ये बुक लिखी थी कि ये जो द्वीप हैं ये सारे सापेक्ष रूप से बिखरते जा रहे हैं, कभी ये सारे एक थे, कभी ये सारे एक थे। इसका उसने जो अपना तर्क दिया था कि जहां से इन खंडों को मिलाया जाए तो ये एक खंड बनेंगे और इधर भी और उधर भी एक जैसी ही मिट्टी है, एक जैसी ही चट्टाने हैं, मतलब ये स्पष्ट होता है कि ये कभी जुड़े हुए थे, आज ये अलग अलग हो गए हैं। मतलब उसने चट्टानों के आधार पर ये साबित किया कि ये जो है ना कभी जुड़े हुए थे, आज क्या हो गए हैं, अलग हो गए। और ये हमारे लिए ढूंढ के रखा था उसने ताकि हम समझा सके कि यही दुनिया पहले एक खंड थी, जो अब परमपिता परमात्मा आकर समझा रहे हैं, फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए।
ये है माया रावण का पांव। ये क्या है, दुनिया क्या है, माया रावण का पांव, पौपना दिखावा शो। ये थोड़ा समय चलने वाला है, ये है झूठा शो, ये है झूठा शो, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार। आज विज्ञान जो है ना एकदम अपनी तमो प्रधान अवस्था में आ गया। दुनिया वाले समझते हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने बहुत तरक्की कर ली, परंतु दुनिया ने अपना क्या किया है, बेड़ा गर्क किया है। किस में? चरित्र में। अभी हमारा विज्ञान एकदम तमो प्रधान भ्रष्ट हो गया है, फिर सतयुग में ये विज्ञान क्या होगा, सतो प्रधान होगा, 100% टॉप पर होगा। आज साइंस 100% बॉटम पर आ गई है और सतयुग में हमारी साइंस 100% टॉप पर होगी। किस आधार से? पवित्रता के, क्योंकि आज हमारे साइंटिस्ट का दिमाग क्या हो गया है, भ्रष्ट है ना। क्योंकि जितने भी एक एक साइंटिस्ट यदि कोई अच्छी चीज बना भी दे तो तुरंत उसकी सारी गंदे वर्जन तैयार हो जाते, क्योंकि सस्ता 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 करने के लिए मिलावट तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए वो सस्ता सस्ता के चक्कर में क्या कर देता है, उसको खराब कर देता है। टेक्निक वही लेता है परंतु उसका बेड़ा गर्क कर देता है। वही चीजें हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। ये लास्ट झपका है, जैसे मरने वाला होता है ना, एक बार ऐसे लगता है जैसे होश में आ गया, ऐसे ये आखिरी भपका है, दिखावा है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दुनिया वाले कहते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले क्या था, बैलगाड़ी में चलते थे। कोई उनसे पूछे कि जब बैलगाड़ी में चलते थे तो कितना कितना मजा था, फ्री थे एकदम, कोई झमेला नहीं, कोई भागम भाग नहीं। अब तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई, स्वर्ग तो अभी है, पहले नरक था, बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि सब, ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते, कितना शो है। इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी, दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसे अच्छी बनी है। नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया, राम राज्य हो, परिस्थान हो। ये तो टेम्परेरी पॉम्प है, ये तो अस्थाई टेम्परेरी दिखावा है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है। चाइना में कितने बड़े बड़े लाइटिंग का, ये दुनिया भर का हो दिखावा है, सब आर्टिफिशियल। मतलब लाइटिंग लाइटिंग कलरफुल लाइटिंग करके बड़े बड़े फुहारे, बड़े बड़े वो, बड़े बड़े ऐसे दिखावा बहुत ज्यादा है कि यहाँ ये दुनिया उनको देखने जाती है। लेजर वैली में क्या देखने जाते हैं, फाउंटेन देखने जाते हैं, कलरफुल फाउंटेन चलता है, संगीत के आधार पर फाउंटेन चलता है, जैसा गीत बजता है वैसा फाउंटेन चलता है। अल्पकाल ये सब क्या है, तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम क्या है, नर्क। इसका नाम स्वर्ग नहीं है तो इसका नाम क्या है, नर्क। क्योंकि कोई मरता है तो कहते हैं कहां गया, स्वर्गवासी। पहले कहां था, हम भी कहां बैठे हैं, नर्क। नर्क का भी एक शो है, ये है अल्पकाल का शो, ये अभी गया कि गया।
अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद रखो, क्यों? हमें अपने घर जाना है, थोड़ी देर आराम करके आएंगे, थक गए यहाँ काम करते करते। सब मनुष्य मात्र शांति को, सारे मनुष्य मात्र शांति को ढूंढ रहे हैं, कहां से शांति मिलेगी? अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है ना, ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। दुनिया में क्या चाहिए? सारे महसूस कर रहे हैं कि शांति हो बस। अब भगवान हमें क्या दे दे? शांति दे दे, शांति दे दे, शांति दे दे। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम सब वास्तव में रहने वाले हैं शांति धाम के। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती, कितनी शांत होती हैं? परमधाम में कितनी शांत होती हैं? संकल्प ही नहीं। यहां तो थोड़ी देर, अच्छा सब्जी क्या बनानी है, रोटी क्या बनानी है, क्या खाना है, उधर क्या करना है, उधर क्या करना है। यहाँ तो एक मिनट बैठे नहीं, 100 बातें सामने आ गई, ये भी करना है, ये भी करना है। शांति धाम में शांति रहती है, फिर यहां आती है शांति, यहां आती है पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तुम क्या कर रहे हो? हम आत्माएं कहां रहती हैं? शांति धाम में, ठीक है नहीं? शांत। और फिर यहां क्या करने आ जाती हैं? हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इस बात का सुख धाम में जान। सुख धाम जाएंगे कैसे? पहले जाएंगे शांति धाम, वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है, हम आत्माएं अभी जाएंगी घर शांति धाम। यहां तो शांति की बात ही नहीं, ना तो शांति की बात हो नहीं सकती। ये है ही दुख धाम, सतयुग पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों को की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते, दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आया है बेहद का बाप, हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापना करते? कब से आते हैं धर्म स्थापक? द्वापर से। अब सृष्टि में कितने अथाह मनुष्य हैं? भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत सौकार थे, कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है, बाबा आकर क्या करते हैं? हमें रिफ्रेश करते हैं। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है, हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि बाप परमात्मा को याद करो। उंगली दिखाते हैं सारे, बाप परमात्मा को याद करो। परमात्मा या अल्लाह वहां है, परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह करते रहो, राम 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 करते रहो, कापियां भर के, दुनिया भर के रजिस्टर भर भर के रख दिए हैं। तो मैंने इतने रजिस्टर भर के रख दिए हैं, राम 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 राम, राम।
बहुत रजिस्टर, क्योंकि जिस टाइम भी टाइम मिलता है राम 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 लिखना है, कैट चलता रहे। बिल्कुल, ये भी पता नहीं कि याद से क्या फायदा होगा। ऐसे राम राम लिखने से, कृष्ण कृष्ण लिखने से जिसको भी याद कर रहे हो उससे क्या फायदा होगा? उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, हम जिसका नाम रटे जा रहे हैं? पता ही नहीं उन बेचारों को, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु तो उनको ये पता नहीं कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान है, हम सब एक बाप की संतान है, तो फिर दुख क्यों होना? चाहिए बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए। ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वे आते भी कहाँ है? आते भी भारत, आते भी भारत में, परंतु ये कोई समझते नहीं कि देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर ही होगी। देवी देवता पहले बनाए होंगे ना, जब परिवर्तन का समय आया होगा तब देवता बनाए होंगे ना। कोई ऊपर फैक्ट्री तो है नहीं कि जहां से देवता बना के नीचे भेज दे के जाओ, फैक्ट्री तो यही है। सतयुग में कैसे होंगी? देवी देवता धर्म की स्थापना एकदम सतयुग में कैसे होगी? परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। ये तो है बाप ही नॉलेजफुल, ये तो बाप ही क्या है, नॉलेजफुल है, समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ? सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते, बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर ही समझाना है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया? ये लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य पाया तो कब पाया और कैसे पाया? कोई नहीं जान, सिर्फ कहते हैं ये सतयुग के मालिक, और उनके आगे जाकर फिर क्या करते हैं? मंदिर में जाकर क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, भाई तेरे पास घना धन है, दे दे हमें भी थोड़ा सा, नौकरी लगा दे, ये कर दे, वो कर दे, भीख मांगते, तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब मिलना तो वैसे था, समझते इस मूर्ति ने दे दिया। कोई दान पुण्य करते हैं उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है। मतलब बहुत छोटी सी पंचायत हो, गांव गरीब गांव हो, उसका भी कोई प्रधान बन जाए, हाँ प्रधान जी हैं भाई, उसको भी खुशी रहती है। जितनी साहूकार साहूकार मुखी को, भाई कोई बहुत बड़े शहर का बहुत बड़े बढ़िया महंगी जिसका पैसा बहुत हो, ऐसी पंचायत का मुखी बन जाए, उसको जितना नशा रहता है ऐसा ही नशा गरीब की पंचायत को भी रहता है, प्रमुख को जो भी प्रधान बनता है। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं, कैसे स्थानों पर रहते हैं, देखा है? झोपड़पट्टी में रहते हैं, ऐसे झोपड़पट्टी का हाल, बहुत बेड के ऊपर बैठ सोने के लिए ऐसे घुसते हैं जैसे रैक में। हाँ,
छोटे छोटे मकान है, सोने की जगह नहीं होती है, सोने के लिए वो रैक होते हैं उसमें ही। ऐसा है, अमीर भी बंबई में रहते हैं, उनके कोठे मतलब हजार 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 गज के, दो दो हजार गज के, 28-28 मंजिले, 30-30 मंजिले, जैसे अमिताभ बच्चन ने अभी खरीदा है बहुत बड़ा 28-30 मंजिल का बड़ा मकान। और कहने का है कि उनके पास पैसे ज्यादा हैं तो उनके एक एक कमरे में भी, 10-10 कमरे में भी एक जना रहता है। और गरीब आदमी एक कमरे में 10 जने रहेंगे, सोएंगे कैसे? तो रैक बने हुए ऐसे, छोटे 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 और छोटे छोटे, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा खतरनाक मामला, कोरोना का बहुत बुरा हाल है इसी का। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, हम डायरेक्ट बाप से पढ़ते हैं, डायरेक्ट बाप के बने हैं, जिससे सदगति का वर्षा मिलता है। बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा ना सके, जो गरीब हैं वो साहूकार बन जाते हैं, पढ़ते तुम हो वे तो अनपढ़, पढ़ते तुम हो वे तो अनपढ़, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहना है, जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है। बुद्धि में रहना चाहिए, ये जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के, धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वे कोई धंधे के लिए नहीं बनाते, धर्मशालाएं बनाते वो कोई धंधे के लिए नहीं बनाते कि हम जो है ना इससे बिजनेस करेंगे, हमारा कमाई होगी, नहीं। जहां तीर्थ वहां धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहें? इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं, ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है, तुम्हारे सेंटर्स जहां जहां हैं वो बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। इन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, ये भी तुम समझते हो। भक्त लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वे तो पानी है। यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, अभी बाप, अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को क्या सुनाई थी, कौन सी कथा? अमर कथा सुनाई थी। तब कहते हैं भर दे झोली, भाई तूने हमारी भी झोली भर दे, उसको इतना सब कुछ दिया, तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली अब भरते हो। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े ही बैठकर कथा सुनाएगा, वो तो सबको अमर कथा सुनाए, जरूर बहुत होंगे और वो भी मृत्यु लोक में ही होंगे। अमर कथा सुनने वाले कहां होंगे? मृत्यु लोक में होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं, अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं, कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हैं हम
पावन बनेंगे, हम पावन वास्तव में कुंभ का मेला ये है। वे मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप को बाप कहते हैं, इससे वापस अपने घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके, तब जा सके, परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं योग में रहने से। आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो क्या करेंगे? छट उड़ेंगे, वहां सेकंड में पहुंच। मान लो किसी का जन्म लेने का पार्ट अमेरिका में है, जट उड़ेंगे और 1 सेकंड में माँ के गर्भ जमेला कब। अब यहां रोते रहो, कहाँ गया, कहाँ गया वो। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत तो तब जा सके। परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम तो तब जाएं जब कर्मातीत हो। कर्मातीत क्या होता है? हाँ जी, हाँ, कर्मातीत वैसे कहा जाता है कर्म से परे, जहां कोई कर्म नहीं करना पड़ता, संकल्प भी नहीं करना पड़ता, वो कर्मातीत होते हैं। जब हमारा संसार में किसी भी आत्मा से लेना देना नहीं है, तब होती है कर्मातीत अवस्था। अभी तो जितनी रोटियां बना बना के पका पका के खिलानी है, वो तो पका पका के तब तक सोचते रहना पड़ेगा। रोटियां पका के खिलाना पूरा होगा फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अब छुट्टी मिल गई मेरे को, नहीं तब तक वो नहीं जाने देंगे, चाहे आप बीमार हो, चाहे बेड पर पड़ो, चाहे कहीं पड़े, तब तक यहां ही जन्म, एक जन्म छोड़ो, दूसरा मरो, दोबारा जन्म लो, फिर मरो, फिर दोबारा जन्म लो। जैसे ड्रामा टिक टिक वो चलता है, आत्मा भी ऐसे ही है। टिक हुई और ये गई, टिक हुई और ये, इन जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुंचने में देरी नहीं लगती। मनुष्य ये बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहां बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म हो बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि नहीं चल। बुद्धि चलना माना विचार सागर मंथन करना। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही क्या बने थे, कल्प पहले भी इसी समय ऐसे ही तुम क्या बने थे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे द्वारा बाबा क्या कर रहे हैं, हाँ जी, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। खुद ना बनावे कुछ भी, सारे काम हमारे से करवाओगा, है ना, करवा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
लायक बन जाएंगे, सतयुग में आने के लायक बन जाएंगे, तो फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है, त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन कराते हैं? शिव बाबा, विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए, अभी तुम वेपाट बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर पाठ बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो, कहते हो बाबा का फरमान है, बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, माम एकम। बहुत सहज है, बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं, हर एक करके थोड़े सुख हैं तो भी अल्पकाल। मान लो कोई आपके जीवन में सुख है भी तो वो अल्पकाल के लिए, भक्ति में साक्षात्कार होता है सो भी अल्प काल के लिए, तुम्हारी आश पूरी होती है ये साक्षात्कार होता है वे भी मैं करा, ये जो साक्षात्कार होता है वो बाबा कहते मैं कराता हूं। ड्रामा में नींद है, साक्षात्कार कराने की भी ड्रामा में, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है, बिल्कुल जैसे पिछली बार आपने ड्रामा किया था वही शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, हर 5000 साल बाद इसी प्रकार से ड्रामा प्ले होता है और ड्रामा शूट। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी, सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष कोई को मिल नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं, बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा बिंदी हैं, इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, ये चक्र चलता रहता है, ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, जो पहले पहले 150 साल में आ गए उनके 84 जन्म, जो जितना लेट आए उतने जन्म उनके काम। सब तो नहीं ले सकते 84 जन्म, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्यवान भव, धनवान भव, निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी ऐसा आशीर्वाद दे ना सके, क्योंकि वे तो इसको क्या समझते हैं, नरक। सतयुग त्रेता है सुख दाम, फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में
कैसे जाते हैं वे निशानियां हैं। कहाँ है निशानियां? वो कहाँ है वो निशानियां? जगन्नाथपुरी में। क्या है वहां, क्या निशानी है जगन्नाथपुरी में? कितनी बार बाबा बताते हैं क्या है जगन्नाथपुरी में, जिससे ये पता लगे कि ये वाम मार्ग में चले गए। और देखा नहीं दिखाया तो कितनी बार है आपको, वहां सारे देवी देवताओं के चित्र बने हैं, परंतु विकारी विकारी गंदे चित्र बना रखे हैं। सारे के सारे मंदिर के बाहर देवी देवताओं के चित्र बनाए, परंतु विकारी चित्र बना रखे, चित्र देवताओं के। तो ये बाबा कहते पहचान है कि देवता कहाँ चले गए, वाम मार्ग में आ गए, उल्टे रास्ते पर चले। ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं, पहने हुए उन्होंने देवताओं वाले ताज है, कैसे पता लगे कि ये देवताएं हैं? फिर गंदे चित्र बनाए, चित्र कैसे बनाए हैं? गंदे बनाए, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है। वहां कृष्ण की मूर्ति जगन्नाथ में कैसे रखी है? काली रखी। जगन्नाथपुरी के साथ किसकी तुलना करते हैं बाबा? श्रीनाथ द्वारे, वहां भी श्रीनाथ द्वारा, ये अपने राजस्थान में थे ना श्रीनाथ द्वार, हाँ, तो वहां पर भी कृष्ण की काली मूर्ति है। दोनों में फर्क क्या है कि वहां देसी घी के पकवान तले हुए भोग लगाए जाते हैं श्रीनाथ में, और जगन्नाथपुरी में बिना घी के चावल और कड़ी, एकदम विपरीत, और भीड़ दोनों जगह बराबर। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज है, बाप है नॉलेज फुल, तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों, बाप भी टीचर भी, ये सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बेहद की पढ़ाई है, जिससे तुम क्या बन जाते हो? नॉलेज फुल। तुम सब कुछ जानते हो, वो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वो पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है, अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो। क्या बने हो? मास्टर नॉलेजफुल, वो भी नंबर वार। तो बाप के पास है, जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं, तुम भी सबको ये बताते हो। बाप को याद करो तो 21 जन्मों का मिले, उसके बाद तो कुछ नहीं चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्ष की याद में रहना है, और सबको याद दिलाना है। इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है।
वरदान नशे और निशाने की स्मृति से, एक तो हमें नशा रहे कि हमें कौन पढ़ाता है, स्वयं परमात्मा परम धाम से आके पढ़ाता है, और निशाने, निशाना क्या होता है, लक्ष्य जहां हमको पहुंचना है, दोनों याद रहे ना, नशा भी रहे और निशाना भी स्मृति से रहे या स्मृति रहे उसकी, सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन हो, ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है, पवित्रता का भी ताज है, तो दूसरा कौन सा ताज है, जिम्मेवारियों का। अब दो ताज लेंगे तो दो ताज वाले बनेंगे, यदि अभी एक ताज होगा तो आगे दो ताज तो ना मिलेंगे। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी है। जब ऐसे डबल तख्त नशीन बनते हो तो तख्त कौन से, अब हमारे पास दो तख्त कौन से, हमारे पास एक अकाल तख्त और एक बाप दादा का तख्त, वो ताज है जिम्मेवारी वाला ताज और पवित्रता का ताज, ये तख्त है, ताज तख्त और तिलक। तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है, फिर ये कर्म इंद्रियां जी हजूरी करती है, जो ताज व तख्त छोड़ देते उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानता है। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बना देते, उनको खुशी नहीं मिलेगी तो वो प्रसन्न करेंगे। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें।